दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के प्राथमिक परीक्षा के लिए कहानी अंगुलीमाल। एक जंगल में एक डाकू रहता था। वह बड़ा निर्दयी था। वह लोगों को सताता था और उनकी उंगलियों को काटकर माला बनाता था और उसे अपने गले में पहनता था, इसलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक बार महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर गए। बुद्ध को देखकर अंगुलीमाल को बहुत गुस्सा आया। अंगुलीमाल को देखकर महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराकर धैर्य के साथ उससे कहा कि गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से पत्तियों को तोड़ो और फिर उसी जगह लगाओ। अंगुलीमाल ने पूछा कि यह कैसा हो सकता है। अंगुलीमाल अब समझ गया कि किसी को तोड़ने पर पुनः फिर उसे जोड़ नहीं सकते। अंगुलीमाल बुद्ध की शरण में आया और उनका शिष्य बना। सीख: किसी भी चीज़ को बिगाड़ना आसान है, बनाना कठिन है। धन्यवाद।